हेलो फ्रेंड्स, आज हम सलवार की बेल्ट में पॉकेट लगाना सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो ये मेरी बेल्ट है, ये मैंने कटिंग की हुई है। इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 25 इंच की, हाफ में है 12.5 इंच और जो चौड़ाई है इसकी 8 इंच की है। तो इस तरीके से हमने स्टिच करना है। या तो आप बेल्ट को पहले स्टिच कर लें या फिर बाद में आप स्टिच कर सकते हैं पॉकेट लगाने के बाद। तो पॉकेट की लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई 7.5 इंच है। तो इस तरीके से हमने पॉकेट की लंबाई चौड़ाई लेनी है। और ये बेल्ट है जो, इसका हमने या तो आप दोनों साइडों से इसको स्टिच कर लें या फिर आप एक साइड में पहले पॉकेट लगा लें उसके बाद आप बेल्ट स्टिच करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक पल्ला लिया है बेल्ट का और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे हमने सेंटर बनाना है बेल्ट का, ठीक है। और एक साइड को हम साइड में रख देंगे और एक साइड को हमने जहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है वो हमने लेनी है। तो इसका हाफ हम देखेंगे, ये देखिए 12.5 इंच है, ठीक है। अब 12.5 का हमने 6.25 इंच हाफ लेना है और 6.25 इंच का मतलब 6.25 इंच पे ऐसे निशान लगाते हुए फिर उस पर भी हाफ में हम लगाएंगे तो 5.5 इंच की हमने पॉकेट पे निशान लगाना है। इतना हाथ हमारा आसानी से जा सकेगा। और ऊपर वाली साइड से हमने 5 इंच कपड़ा छोड़ना है, ठीक है, गैप छोड़ना है। उसके बाद हमने पॉकेट लगानी है तो यहाँ से हमारा 5 इंच छोड़ना है हमने। और यहाँ पे हमने जो घेरा फोल्ड करना है, नेफा फोल्ड करना है, वो हमने 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पे पॉकेट हमारी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने जो पॉकेट है उसके ऊपर भी निशान लगाना है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है घेरा फोल्ड करने के लिए उसके ऊपर हम इस तरीके से पॉकेट रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि ये पॉकेट हमारी जो घेरा जब हम फोल्ड करें तो उसके दबाव में आ जाए। इसके बाद हमने पॉकेट के ऊपर भी निशान लगाना है 5.5 इंच का, ठीक है। 5.5 इंच स्टैंडर्ड निशान है, हर किसी का हाथ इसमें चला जाता है पॉकेट में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5.5 इंच निशान लगा लिया है। और उसके बाद हमने इस निशान के बिल्कुल किनारे किनारे से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, गुलाई में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। कॉर्नर में बिल्कुल तीखी सी सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी सी घुमाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा पलटाने में हमें आसानी हो, ठीक है। जब हम कट लगाएं इसमें तो हमारा जो धागा है वो ना कटे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई मेरी लग चुकी है, अब इसको बीच से हम कट कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से कट करेंगे ताकि हमारा जो धागा है वो कटने नहीं पाए, ठीक है। अब बीच बीच में छोटे छोटे कट लगा देंगे, इससे क्या होता है कपड़ा बड़ी आसानी से पलट जाता है और फिनिशिंग से पलटता है। तो ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल किनारे पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है, तीखी सी जो सिलाई लगाते हैं बिल्कुल चोंच सी जो बन जाती है वो कपड़ा जो फोल्ड करते हैं हम पलटाते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए थोड़ी सी घुमा करके हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। इसको सारा कपड़े को हम पीछे की तरफ पलट देंगे। अब पलटने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये पॉकेट बड़ी आसानी से बन जाती है और इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। और काफ़ी पॉकेट्स मैंने बनाना बताया है तो ये उनसे अलग है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही आसानी से ये आपकी जो सलवार में पॉकेट है वो लग जाएगी। सिर्फ आपने इसको बेल्ट में ही लगाना है, सलवार में अटैच नहीं करना है। सलवार सिर्फ हमने जब बेल्ट चोने डालनी है, ठीक है, तभी हम इसमें बेल्ट का सलवार का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आपने पॉकेट सिर्फ बेल्ट में ही लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पॉकेट लगा दी है, इसको पलटा दिया है, ठीक है। पलटाने के बाद आपने इस तरीके से पीछे की तरफ से आपने सिलाई लगानी है ताकि आपको दोबारा इसमें इंटरलॉक नहीं करना चाहेंगे आप। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरीके से आप इसको पलटा करके सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंटरलॉक है तो आप सीधी ही इसको ऐसे सीधा ही रख के सिलाइयाँ लगा सकते हैं।
नहीं तो आप इस तरीके से इसको पलटा करके सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको पॉकेट थोड़ी सी लंबी लग रही है तो आप नीचे से कट कर दें, और कट करने के बाद फिर से आप सिलाई लगा लें तो आपकी जो पॉकेट है वो छोटी भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लंबी रखना चाहते हैं तो इतनी ही रहने दें। तो अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये देखिए दोनों सिलाइयाँ मेरी अंडरग्राउंड हो गई हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों सिलाइयाँ अंडरग्राउंड हो गई हैं। अब यहाँ पे हमें इंटरलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमने ऊपर की तरफ से हमने एक सिलाई और लगानी है। ठीक है, यहाँ पे जब हम घेरा फोल्ड करेंगे तो हमारी पॉकेट है जो फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल बेल्ट सिलते हैं उसी तरीके से हमने इसको सिलना है। पॉकेट तो हमारी लग चुकी है, अब बेल्ट को हमने तैयार करना है। तो इसके ऊपर हम एक पल्ला और रखेंगे जो साइड में हमने करा था। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे हमने चिड़ी बनानी है जहाँ पे हम नाड़ा डालते हैं। तो इस तरीके से हम चिड़ी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पक्की सिलाई कर दें क्योंकि हमारी अब बेल्ट जुड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से अब दोनों साइडों में हमने सिलाइयाँ लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइडों में हमने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब जो चिड़ी वाला हिस्सा है उसको हम सिल देंगे। तो इस तरीके से आपने चिड़ी भी सिल देनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखा कितनी अच्छे से हमारी जो पॉकेट है वो लग जाती है। कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, बड़ी आसानी से पॉकेट लग गई है। अब यहाँ पे हमने घेरा फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और जो हमारी पॉकेट हमने वहाँ पे लगाई थी, दबाव में दी थी, तो इस तरीके से हमारी जो पॉकेट है वो भी दबाव में आ गई है। हमने अंदर करके कपड़ा लगाया था। ठीक है, जब सिली हुई सलवार में हम पॉकेट लगाते थे तो ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी पड़ती थी। तो ये हमारी जो नेफा है उसके अंदर ही पॉकेट चली गई है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से लग चुकी है पॉकेट हमारी। तो इस तरीके से आप पॉकेट लगाएंगे तो बहुत अच्छी पॉकेट लगेगी। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये वाली पॉकेट लगाने की वीडियो आपको कैसी लगी, और इसको शेयर करना, सब मतलब कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो ये देखिए पॉकेट मेरी लग के बिल्कुल रेडी है। ठीक है, देखिए हाथ कितनी आसानी से जा रहा है। तो इस तरीके से अब हम सलवार में इसमें चोने वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, बेल्ट हमारी बिल्कुल बन के तैयार है। और अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमें इसमें चोने डालनी है बेल्ट में, सलवार में। तो हमारी जो सलवार बन के भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और इस तरीके से आपने पॉकेट लगानी है। ठीक है, और ज़्यादा कपड़ा कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, भार उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप बेल्ट में पॉकेट लगा करके बड़ी आसानी से सलवार में पॉकेट लगा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।